وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاه والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون वसलामरसलीहमदिल्ल रबलम अल्ला सदी नाम व अला सदी नाम व बबारक वसलम अल्लाह रब्ज़त ने सिलसिल नबूत की इब्तदा हज़रत आदमत वसलाम से फ़रमाई और सिलसिले नबूवत की इंतिहा अहमद मुशतबा महमद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हुई मेरे महबूब इरशाद फरमाया अव्लाम्बिया आदम व आखिर हम महमद सम्बिया में सबसे पहले नबी हज़रत आदम सलात वसलाम हैं और सबसे आखिरी नबी महमद मुस्तफ़ा सला वसम हैं हज़रत आदम सलामाम से कबल इस धरती के ऊपर कोई नबी की हैसियत से नहीं आया इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसम के बाद ना कोई नबी आया है ना आ सकता है ना आ सकेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूत के दरवाज़े को क़यामत तक के लिए हमेशा हमेशा बंद फरमा दिया इस अकीदे को अक़दा ख़म नबूवत कहा जाता है अक़ीद ख़म नबूवत पूरे दिन इस्लाम की बुनियाद है गोया के पूरे दीन इस्लाम की इमारत अकैदा ख़त्म नबूवत के ऊपर कायम है अगर कोई बंदा पूरी रात नफले पढ़ता रहे पूरा दिन ज़िक्र असकार तलावत क़ुरान में मशगूल रहे वो सदकात खैरत का अहतमाम करे हर साल हज बैतुल्लामरे की सदत हासिल करे रफाही कामों के अंदर पेश पेश नजर आए लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मशरूत तौर पर अल्लाह का नबी न माने उस बंदे की ना तो नमाज़ कबूल हो सकती है ना नफ़ल कबूल हो सकती है ना तिलावत कबूल हो सकती है ना सदाकात खैरात कबूल हो सकती है ना हज उमरा कबूल हो सकता है उस बंदे का एक भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूलियत नहीं पा सकता जब तक नबे सलात वाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी नबी न माने और मेरे अल्लाह ने क़ुरान शान के अंदर मतदद आयात में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतदद अहदीस के अंदर ख़म नबूवत को बयान फरमाया है मेरे अल्लाह ने क़ुरान अज़ीमशान के अंदर इरशाद फरमाया माकाना मुहमदाअबा अदरिजालकुम वला के रसूल अल्ला व ख़ातमन नबीन के सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के वालद नहीं वला कर रसूल अल्ला वातम नबीन लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबीयों में आखिरी नबी हैं और हदीस के अंदर मेरे महबूब वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुहम्मद व आना अहमद मैं मुहम्मद हूँ मैं अहमद हूँ व अनल माही अलवी युम कुफ्र मैं माही हूँ अल्लाह ताला मेरे ज़रिए कुफ़र को मिटाएगा व अनल हाशिर और मैं हाशिर हूँ क़यामत के दिन सबसे पहले अपनी कबर से मैं उठूँगा व आक़िब और मैं आक़िब हूँ वलआब नबी यौन और आक़िब वो होता है जिसके बाद कोई नबी नहीं होता तिर्मिज़ी शरीफ़ की रिवायत है मेरे महबूब अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ख़ातमुन जीन ला नबी या बदी मैं नबियों के अंदर आखिरी नबी हों मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता यहाँ पर एक बात समझ लें जब हम कादानियों से कहते हैं कि आप सला तो वसलाम आखिरी नबी हैं आप के बाद कोई नबी नहीं आ सकता तो कादियानीानी ऐतराज़ करते हैं एक सवाल करते हैं कि ईसा आलसला सलाम क़यामत के अंदर तशरीफ़ लाएंगे उधर से आप कहते हैं कि मुहम्मद के बाद कोई नबी नहीं आ सकता और जब क़यामत की आलामात को बयान करते हैं तो तुम यूँ कहते हो कि अलैहिस्सलाम आएंगे वो भी तो अल्लाह के नबी हैं तो हम उनको जवाब ये देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता ईसा सलात वाम की विलादत पहले हो चुकी है ईसाई सलात वाम को मेरे अल्लाह ने आसमानों पे उठा लिया अल्लाह ताला ते दुनिया के अंदर भेजेंगे वह नबेलात वसलाम की इतात और फरमा बरदारी करेंगे इसलिए हम शुरू ही से कादियानियों को जब भी बात करें तो यूँ कहें कि आप के बाद कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता जब ये कहेंगे तो किसी को सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा मेरे महबूब सल वसम को मेरे अल्लाह ने तीन बेटे अता फरमाए और चार बेटियां अता फरमाई एक बेटे का नाम कासिम था दूसरे का नाम अब्दुल्ला जिसे तैयब और ताहिर कहा जाता है और तीसरे बेटे का नाम इब्राहिम था अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार बेटियां अता फरमाई जैनब उम्मे कलसूम और फातिमा ये चार नबीलात वाम की बेटियां थीं मुझे फातिमा के हवाले से आगा शोरश काश्मीरी की एक बात याद आई जब उन्नीस सौ चौहत्तर के अंदर ख़म नबूवत की तहरीक चली मुफ्ती महमूद रहमतल्ल् मौलाना ताज महमूद रहमतल्ल्ल और दीगर अकाबरीन ने जब मुल्क पाकिस्तान के वजीर अज़म जुल्फ़ार अली भुट्टू से खत्मे नबूवत के हवाले से गुफ्तु की तो एक मरतबा तकरीबन चार घंटे मुसलसल बातचीत होती रही आगा शोरश काश्मीरी अपनी जगह से उठे मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फ़ार अली भुट्टू के कदमों के अंदर बैठ कर उनके पाऊँ पकड़ लिए वजीर अजम भुट्टू कहने लगा शोरश काश्मीरी ये क्या कर रहे हो तो आगा शोरश काश्मीरी ने जारो कतार रोना शुरू कर दिया और रोते हुए कहा कि भुट्टू मैं आपसे अपने और आपके लिए ख़त्म नबूवत की भीख मांगता हूँ जुल्फ़ार मैंने आज तक आपसे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया मैंने आप से कोई चीज़ नहीं मांगी मैं आपसे सिर्फ़ एक दरख्वास्त करता हूँ कि ख़त्म नबूवत के मसले को आप हल कर दें कादियाँ को गैर मुसलम करार दे दें मैं अपनी पूरी जिंदगी की नेकियां आपको दे दूंगा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खाली हाथ खड़ा हो जाऊंगा लेकिन मैं ख़त्म नबूवत के मसले को हल करवा के दुनिया से जाना चाहता हूँ मैं आपसे भीख मांगता हूँ हती के आगा शोरश काश्मीरी ने जुल्फ़ार अली भुट्टू के पांव पकड़ कर अपनी झोली फैला दी और झोली फैला बच्चों की तरह बिलक के रोते हुए कहा ुल्फ़ार अली भुट्टू इस झोली को मेरी झोली न समझना बल्कि फ़ातिमा बिनते मोहम्मद की झोली समझ लेना जब आगा शोरश काश्मीरी ने नबेली सलात वाम की लख़त जिगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद की बात की वहाँ पर जितने भी हजरात मौजूद थे सब आबदीदा हो गए आँखें नमनाक हो गई हती कि झुल्फ़ार अली भुटू ने अपना सर झुका लिया चूँकि नाम पैगंबर की बेटी फ़ातिमा का आ चुका था जन्नती औरतों की सरदार फ़ातिमा का नाम आ चुका था तो जुल्फकार अली भुट्टो ने वादा कर लिया कि आपने मुझे फ़ातिमा बिनते मोहम्मद का वास्ता पेश किया है अब मैं साइन ज़रूर करूंगा। जब वो साइन करने लगे तो उन्होंने फरमाया कि आगा शोरश काश्मीरी मुफ्ती महमूद यूँ समझ लो कि मैं आज अपनी मौत के ऊपर दस्तखत कर रहा हूँ तो नबे सलातम की बेटी फ़ातिमा का ये वास्ता पेश किया गया तो अल्लाह इज़्ज़त फिर ये काम बना देते हैं तो नबी आल सलातम को मेरे अल्लाह ने चार बेटियां अता फ़रमाई थी जैनब रु़ैया उम्ब कल्सूम और फातिमा आपसलातम की जो नरीना औलाद थी आपके जो बेटे थे वो बचपन ही के अंदर इंतकाल कर गए बचपन ही के अंदर फ़ोत हो गए आखिर नबी सलातम की औलाद जवान क्यों ना हुई आपके बेटे जवानी की उम्र के अंदर क्यों ना पहुँचे हम दीगर अम्बिया कराम की औलादों को देखते हैं वो जवान भी हुई अल्लाह ने उन्हें नबुवत भी अता फरमाई लेकिन नबी आललात वसलाम की नरीना औलाद बचपन के अंदर चली जाती है हत्या के मश्रिकी ने मक्का ने ताने भी दिए थे इन ना आती नाकल कोसर अल्लाह ने यह सूरत उतारी थी इमाम बुखारी रमतल ने उसकी एक वजह बयान फरमाई है उसकी वजह यह है अगर नबी सलाम की नरीना औलाद जवान होती उन्हें नबूवत मिलती तो ये ख़तम नबूवत के मुनाफी था अगर नबी सलातम की नरीना औलाद जवान होती और उन्हें जवानी के अंदर नबूवत न मिलती तो कोई बंदा खड़े होकर यह सवाल कर सकता था कि इब्राहीम के बेटे इस्माइल को तो नबूवत मिली इब्राहीम के बेटे इसहाक को तो नबूवत मिली याकूब के बेटे यूसुफ़ को नबूवत मिली मोहम्मद के बेटों को नबूवत क्यों ना मिली इमाम बुखारी रहमतल फ़रमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद को बचपन के अंदर अपने पास बुला के ये सिलसिला ही ख़त्म कर दिया ताकि क़यामत तक के लिए ख़त्म नबूवत का मसला ज़िंदा और ताबिंदा रहे तो उसकी वजह ये थी कि अल्लाह ने ख़त्म नबूवत को क़यामत तक के लिए रखना था इसलिए नबी अलैहि सलातो वसलाम की औलाद को अपने पास बुला लिया तो नबी अलैहि सलातो वसलाम आखिरी नबी हैं आपतम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता और हमारे अकाबरीन ने बल्कि हजूर सल्ला वसम के साबा ने ख़त्म नबूवत के हवाले से अपनी जान के नजराने पेश किए उन्होंने अपनी गर्दन कटवा दी अपने जिसम के अज़ा कटवा दिए लेकिन आपलात वसलाम के बाद जिसने झूठी नबूवत का दावा किया उसे ज़िंदगी के अंदर नबी तस्लीम नहीं किया हजरत हबीब रज़ी तो हो जब इन्हें मुसलम कजाब ने गिरफ़्तार किया और हबीब को मुसलमा के सामने पेश किया गया तो मुसलम कजाब ने हबीब से कहा कि हबीब मुझे भी नबी मानो मुहमद को भी नबी मानो हज़रत हबीब रज़ी कहा मुसलमा मैं हजूर सल्ला वसलम को नबी मानता हूँ और आखिरी मानता हूँ मुसलम कजाब ने कहा मुझे नबी मानते हो हबीब ने कहा कि मैं तेरी बात नहीं सुन रहा मुसलम कज़ाब ने जल्लाद से कहा कि इसका दाया बाज़ू काट दो हजरत हबीब ने उस वक़्त कहा कि मैं मोहम्मद को आखिरी नबी मानता हूँ आपके बाद किसी झूठे को नबी नहीं मानता मुसलम कजाब ने जल्लाद से कहा कि इसकी बाई टांग काट दो उसको भी काट दिया मुसलम कजाब ने पूछा अब मुझे नबी मानते हो कहा नहीं मानता आपके बाएँ बाजू को काट दिया गया मुसलम कजाब ने फिर पूछा हबीब मुझे नबी मानते हो नहीं मानता आपकी दाई टांग को काट दिया गया मुसलम कसाब ने पूछा अब मुझे नबी मानते हो हज़रत हबीब ने जवाब दिया मैं आपको नबी नहीं मानता मुसलमान ने जलाद से कहा कि इसकी ज़ुबान काट दो जुबान काट दी गई मुसलम कजाब ने फिर पूछा अब मुझे नबी मानते हो हबीब ने सर के इशारे से कहा कि मैं तुझे नबी नहीं मानता को कोस्सा जल्लात को मुसलम कज़ाब ने जलाल के आलम में कहा कि हबीब का सर तन से जुदा कर दो चुनाचे आपको शहीद कर दिया गया और जब मदीना तजबा के अंदर यह ख़बर पहुँची कि हबीब को दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया किसने जाकर हबीब की माँ को बतलाया कि आपके बेटे को इस दर्दनाक तरीके के साथ शहीद कर दिया गया बाजू काटा गया उनकी टांगे काट दी गई सर काट दिया गया तो माँ अजीब जुमला कहने लगी माँ के हौसले के ऊपर माँ की इस्तामत और अजीमत के ऊपर कुर्बान जाऊँ माँ कहने लगी मैंने आज ही के दिन के लिए अपने बेटे हबीब को दूध पिलाया था कि बेटा मैं तुझे दूध इसलिए पिला रही हूँ कि ख़त्म नबूवत के ऊपर जान कुर्बान कर देना लेकिन नबीसलातलाम के बाद झूठी नबूवत का दावा करने वाले को नबी तस्लीम न करना तो हमारे अकाबरीन ने हज़रा साहब कराम ने ख़म नबूवत के ऊपर जान का नजराना पेश किया सैयद अता शाह बुखारी रमतल्ला लाहौर की सरज़मीन पर बयान करते हैं लाखों का मजमा है कि फ़लाँ बंदे ने नबी नबीसलातलम की शान के अंदर गुस्ताखी की है किताब लिखी है तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमत ला उठते हैं और जाकर उस हिंदू का सर तन से जुदा कर देते हैं गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमत ला गिरफ़्तार हो जाते हैं आपका मुकदमा लड़ने वाले कैद आज़म मोहम्मद अली जिना थे अलामा इकबाल थे ये आके गाजी इलमुद्दीन शहीद से मुलाकात करते हैं और कहते हैं तो अदालत के सामने ये बयान दे देना कि मुझे उस वक़्त होश नहीं था अगर मुझे होश होता तो मैं ये काम न करता गाजी गलमुद्दीन शहीद ने अजीब जवाब दिया कहने लगे मोहम्मद अली ज़िंदगी के अंदर एक ही काम तो होश के साथ किया है अब उस काम के अंदर भी मुझे महरूम करना चाहते हो मैं भरी अदालत के अंदर यही जवाब दूंगा कि मैंने होश के अंदर ये काम किया है वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ला अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहा फरमाया करते थे हम तो बातें करते रहे और गाजी इल्मुद्दीन काम करके दुनिया से चले जाते हैं उन्होंने जान का नजराना पेश कर दिया तो हमें भी चाहिए कि हम अपने अक़दे ख़म नबूवत के हवाले से अपने अकीदे को मजबूत बनाएं अपनी औलादों को बताया करें कि खत्म नबूवत किसे कहते हैं बल्कि मैं तमाम ख़ातन से कहूँगा कि अपनी औलादों को 6 सितंबर और 7 सितंबर के हवाले से ज़रूर बताया करें कि 6 सितंबर को क्या हुआ 7 सितंबर को क्या हुआ अपनी औलादों को सिर्फ इतना बता दिया करें कि 6 सितंबर सरहदों की हिफाजत का दिन है और 7 सितंबर नज़रियात की हिफाजत का दिन है 6 सितंबर को मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों ने अपने मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए जान का नजराना पेश किया और सात सितंबर को नबीसलातम की ख़म नबूवत की हिफाजत करते हुए लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया छः सितंबर को मुल्क पाकिस्तान की हिफाज़त की जाती है और सात सितंबर को ख़म नबूवत की हिफाज़त के हवाले से एक कानून और आयन बना दिया जाता है अपनी औलादों को इसके बारे में ज़रूर बताया करें और औलादों को मिर्ज़ा कादियानी के बारे में बताया करें कि वो कैसा झूठा नबी था जो हर वक़्त झूठी बातें किया करता था ताकि हमारी औलादों को पता चले कि जो अपने आप को नबी कहता था जिसने आगे पूरी जमात तैयार की वो कितना झूठा था चुनाच मिर्ज़ा कादियानी के बारे में आता है किसी नौजवान ने बयान सुना कि इस तरीके से उसने नबूवत का दावा किया तो उस नौजवान ने चंद नौजवानों को इकट्ठा किया और कहा कि मैं मिर्ज़ा से निमट लूँगा मैं मिर्ज़ा से जाके बात करता हूँ चुनाचे वह नौजवान मिर्ज़ा के दरवाज़े पर पहुँचा दरवाज़े पर ज़ोरदार दस्तक दी कि मिर्ज़ा बाहर निकल तो इससे बात करनी है लेकिन मिर्ज़ा बाहर नहीं निकल रहा था हती कि काफ़ी देर गुजर गई पूरी गली के अंदर लोग जमा हो गए रश हो चुका था तो बीवी ने अपने खावन मिर्ज़ा से कहा कि आप बाहर क्यों नहीं जाते वहाँ पे नौजवान जोरदार गरजदार आवाज़ में बात कर रहा है पूरे मोहल्ले के अंदर लोग जमा हो चुके हैं तो मिर्ज़ा झूठा लईन कहने लगा कि मेरे ऊपर अभी अभी वही उतरी है बीवी ने पूछा आपके ऊपर वही क्या उतरी कहते मेरे ऊपर वही उतरी या आई युहन अंदर ही रहियो या यानबी यू अंदर ही रहियो यानी अंदर रहना आपने बाहर नहीं जाना तो इस किस्म की वही इस झूठे शख्स के ऊपर आया करती थी तो गए कि झूठी बातें किया करता था और जो सच्चा नबी होता है उसकी ज़ुबान के ऊपर हमेशा के लिए सच ही उतरता है जो सच्चा नबी होता है वमा मा अनिल हवा इन हुआ वाह जो कुछ अल्लाह वही करते हैं वो कुछ नबी अपने उम्मतियों को बतला देता है सैद अता शाह बुखारी रहमत आ एक मरतबा किसी कादियानी से मुलाकात हो गई तो उसने कहा कि हमारा जो मिर्ज़ा था ये नबी था और इसका तस्करा क़ुरान के अंदर आया है सैद अता शाह बुखारी रहमत फ़रमाते हैं मैंने उस कादियानी से कहा वो कैसे तो उसने कहा कि मिर्ज़ा का नाम था ग़लाम अहमद ग़लाम को काट दो तो अहमद बाकी बचता है और अल्लाह कुरान में फ़रमाते हैं वमु बशरम बरासूली याति मम्बा दस्मू अहमद अल्लाह ने नबी ईसा से फरमाया कि आप बशारा दें कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा तो हमारे नबी का नाम तो तस्करा तो कुरान के अंदर आता है सैयद अता शाह बुखारी रहा ने फरमाया अच्छा तुम्हारे नबी का तस्करा कुरान में आता है मेरा नाम है अताउल्ला। अता को काट दो बाकी बचता है अल्लाह जब मैं अल्लाह ने तुम्हारे मिर्जा को नबी नहीं बनाया तो उसे नबी बनाने वाला कौन है नबूवत तो अल्लाह ने देनी होती है जब मैंने तुम्हारे मिर्जा को नबूवत नहीं दी वो नबूवत का दावा कैसे कर सकता है तो हमारे अकाबरीन इस तरीके से जवाब दिया करते थे कि अगले दंग रह जाया करते थे अगले परेशान हो जाया करते थे तो नबूत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ़ से एक वह भी चीज़ है अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे अता कर देते हैं लेकिन अल्लाह ने नबी नबीसलातलम के ऊपर नबूत का दरवाज़ा बंद कर दिया कि आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक के अंदर इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छः चीज़ों के अंदर बाकी अम्बिया पर मुझे फ़जीलत अता फ़रमाई है अल्लाह ने मुझे जवामीमत अता फ़रमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए ज़मीन को सजदा गह बना दिया जहाँ चाहूँ मैं सजदा कर सकता हूँ और आखिर के अंदर नबी सलातलाम ने फरमाया व खुतिमा बी नबीन अल्लाह ने नबूत मेरे ऊपर ख़त्म फरमा दी अब गए कि ये बात नबी आसलात असलम ने इरशात फरमाई मैं यूँ कहूँगा कि चांद सितारे सूरज बे हो सकता है कायन की हर चीज़ झूठी हो सकती है मगर मेरे पैगंबर का फरमान झूठा नहीं हो सकता मेरे पैगंबर ने खुद फरमा दिया और पैगंबर वही के अलावा कोई बात नहीं करता जो अल्लाह वही उतारते पैगंबर वही बात करता है नबी सलातम ने बतला दिया कि मैं आखिरी नबी हूँ आपके बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वह झूठा और दज्जाल होगा बल्कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तकूम उस्सा क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी हत्ता युब असा दज्जालूना कज़्ज़ाबूना करीबा मिन सलासीन यहाँ तक कि मेरे बाद तीस लोग आएंगे जो झूठी नबूवत का दावा करेंगे वो सारे के सारे दज्जाल और कजाब होंगे आप सलात ने बतला दिया कि मेरे बाद नबूवत का दावा करने वाले वो सारे के सारे झूठे होंगे अगर हमारा नबी अलीसलातलम की खत्म नबूवत के ऊपर ईमान और यकीन है कि आप आखिरी नबी हैं आपके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह इज़्ज़त ने हमारे अक़ीदे को मजबूत बना दिया और अगर किसी का ये अकीदा नहीं है वह नबी सलाम के बाद भी किसी को नबी मानता है तो इसका ख़त्म नबूत के ऊपर ईमान नहीं है और इसका ख़त्म नबूत के ऊपर ईमान नहीं होता वह दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है आप सलात वाम ने कयामत तक आने वाले तमाम फितरों के बारे में आगा कर दिया आप सलात वाम ने बतलाया कि मेरे बाद ये होगा मेरे बाद ये होगा आपने बतलाया कयामत तो के अंदर ईसा सलाम तशरीफ़ लाएंगे दि की मस्जिद के मीनारे के ऊपर आपने इमाम महदी के बारे में बतलाया आपने दज्जाल के बारे में बतलाया आपने याजूज माजूज के बारे में बतलाया आप सलात ने गलब इस्लाम के बारे में बतलाया आप सलातम ने मक् और मदीना के हवाले से बतलाया आप ने तमाम तरह चीज़ों के बारे में बयान किया अगर मिर्ज़ा ग़लाम अहमद कादियानी नबी होता तो मेरे महबूब इरशाद फरमा देते लेकिन आप्लाम ने किसी जगह भी इर्शाद नहीं फरमाया बल्कि मेरे महबूब ने अपने बारे में इरशाद फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं बल्कि मेरे महबूब ने तो एक सहाबी की तरफ देख के फरमाया लऊकाना बादी नबी लकाना उमर अगर मेरे बाद नबी बनता तो उमर इस लायक था कि वो नबी बन जाता नबी नबीलात ने जिसको अपनी मुबारक जिंदगी के अंदर फरमाया कि के, के लायक तो उमर था लेकिन उमर नबी नहीं बन सकता क्योंकि अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना दिया अब उमर रजी अल्लाह रजीआन तो हो जिसके अंदर पैगंबर ने सिफात को देख के फरमाया ये नबी बनने के काबिल था वो तो नबी ना बन सके और मिर्जा गुलाम अहमद काद यानी झूठी नबूवत का दावा कर लेता है अगली बात ये समझ लें कि हज़रात अम्बिया क्राम के अंदर कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं जो किसी इंसान और उम्मती के अंदर नहीं पाई जाती हज़रा अम्बिया क्राम की सबसे पहली खसूसियत ये होती है कि अम्बिया क्राम हर किस्म के अयूब से पाक और साफ होते हैं ज़ाहरी अयूब से भी पाक होते हैं और जब हम मिर्ज़ा ग़लाम अहमद कादियानीानी को देखते हैं तो वो जहरी अयूब के साथ भरा हुआ था वो एक आँख से भेंगा था जिसके जहरी अयूब के जहरी आज़ाद के अंदर अयूब पाए जाएं, वो अल्लाह का नबी नहीं हो सकता अम्बिया क्राम की दूसरी खसूसियत ये है कि अम्बिया कराम का दुनिया के अंदर कोई इंसान उस्ताद नहीं होता अम्बिया कराम ब्राह रास्त अल्लाह रबुल्जत से इलम हासिल करते हैं जब मेरे अल्लाह ने आदम सलाम को जन्नत से जमीन पर भेजा आदम अलैहिस्सलाम कई साल तक अल्लाह के सामने तोबा करते रहे तो एक दिन हज़रत आदम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी ए अल्लाह मोहम्मद के सदक़े मोहम्मद के तुफ़ैल मेरी तोबा को कबूल फ़रमा मेरे अल्लाह ने फरमाया कई आरफ़्तः महम्मद आदम तूने मोहम्मद को कैसे पहचाना अभी तो मैंने मोहम्मद को पैदा भी नहीं किया हज़रत आदमी सलाम ने अरस के अल्लाह जब मैं जन्नत के अंदर था तो मैंने जन्नत के अंदर अरश के पाए पर देखा मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखा मैंने जन्नत के अंदर फूलों की पत्तियों पे देखा मैंने जन्नत के दरवाज़ों पे देखा आपके नाम के साथ मुहमद का नाम लिखा हुआ था ला अला मोहम्मद अल्लाह मैं समझ गया जिस हस्ती का नाम आपके नाम के साथ लिखा हुआ है यह कोई बड़ी हस्ती है मेरे अल्लाह ने फरमाया आदम अगर मैं मोहम्मद को पैदा न करता तो कायनात की किसी चीज़ को पैदा ही ना करता अब आदम आई सलात वसलाम जन्नत के अंदर थे आदम आई सलात वाम नेलम कहाँ से हासिल किया क्या आदम सलात किसी के पास पढ़ने के लिए गए थे आदम किसी के पास पढ़ने के लिए नहीं गए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को पढ़ने का इलम अता वजह से वो लिखे हुए कलमे को पढ़ लेते हैं तो इससे पता चला कि किराम का दुनिया के अंदर कोई इंसान नबी नहीं होता अगर कोई इंसान किसी का उस्ताद होता है तो समझ लें कि वो अल्लाह का नबी नहीं हो सकता हज़राती अम्बिया कराम का कोई इंसान उस्ताद नहीं था बराह रास्त इलम हासिल किया करते थे ये अम्बिया कराम की दूसरी खसूसियत है और जब हम मिर्ज़ा ग़लाम अहमद कादियानी को देखते हैं तो इसके मतदद उस्ताद पाए जाते हैं बल्कि मिर्जा ग़लाम अहमद कादियानी कहा करता था कि मेरे ऊपर जो फरिश्ता वही लेके आता है उस फरिश्ते का नाम टीची टीची है हमने तो अम्बिया कराम के ऊपर जो वही लाने वाले फरिश्ते हैं वो एक ही है और उनका नाम जबराईल आसलातु वसलाम है ज़ब्रीलम अल्लाह की तरफ से पैगाम लेके आते थे अम्बिया को पहुंचाते थे जबकि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का जो फरिश्ता था उसका नाम भी अजीब रखा हुआ था पत्नी चाइनीज ज़ुबान वाला उसने कोई नाम रख दिया टीची टीची जिस तरह नाम था तो वही भी फिर उसम की किया करता होगा अम्बिया कराम की तीसरी खसूसियत यह है कि अम्बिया कराम शार नहीं होते अम्बिया कराम कोई शेर नहीं कहते और जब हम मिर्ज़ा ग़ल अहमद कादियानी को देखते हैं तो इसने अशार के ऊपर मुतद किताबें लिख दी मुतद अशार उसकी किताबों के अंदर पाई जाती हैं जो शायर होता है वो अल्लाह का नबी नहीं हो सकता अम्बिया क्राम की अगली खसूसियत ये है कि अम्बिया कराम अपनी मुबारक जिंदगी के अंदर जो भी पेशन गोई फरमाते हैं अल्लाह उसे सच कर दिखाते हैं और जब हम मिर्जा की तरफ देखते हैं मिर्जा ने अपनी ज़िंदगी के अंदर चंद ऐसी पेशन गोईयाँ की जिस तरह वो खुद झूठा था उसकी पेशन गोई भी हमें झूठी नज़र आती है मिर्जा का एक उम्मती ही था मंजूर हुसैन वो एक दिन मिर्जा के पास भागता हुआ आया और आके कहने लगा मिर्ज़ा साहब आप हमारे नबी हैं मेरी बीवी उम्मीद से है तो आप दुआ करें कि मेरे यहाँ इस मरतबा लड़का पैदा हो जाए नरीना औलाद मिल जाए मिर्जा ने कहा कि मैं आपको कल बताऊँगा अल्लाह से रात के वक़्त बातें करूँगा और सुबह आपको बताऊँगा और उसके नाम भी बताऊँगा जब अगला दिन हुआ तो मंजूर हुसैन मिर्जा के पास गया जी मिर्ज़ा साहब तो मिर्ज़ा ने कहा कि मैंने रात अल्लाह से बात की है अल्लाह ने कहा कि मंजूर के यहाँ बेटा पैदा होगा और उसके ये ये नाम होंगे कई नाम बतला दिए मंजूर हुसैन बड़ा खुश हो गया बीवी को जाके बतलाया कि इस मरतबा हमारे यहाँ बेटा पैदा होगा बीवी भी खुश हो गई अल्लाह की शान मंजूर हुसैन के यहाँ बेटा पैदा ना हुआ बेटी पैदा हो गई अब मंज़ूर हुसैन परेशान भागता हुआ अपने पैगम्बर मिर्ज़े के पास गया और जाके का मिर्जा साहब आपने मेरी बात सुनी तो थी मगर समझी नहीं बात सुनी तो थी मगर समझी नहीं वो जैसा कि एक मिरासी के बारे में आता है वो अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह कोई सवारी दे दे अल्लाह पैदल चल नहीं सकता सवारी मिल जाएगी तो काम बन जाएगा अल्लाह की शान चंद दिनों के बाद वो रोड के किनारे खड़ा हुआ था कोई थानेदार अपनी घोड़ी के ऊपर सवार होके जा रहा था घोड़ी का बच्चा भी साथ था थानेदार ने मिरासी को देखा तो मिरासी से कहा कि घोड़ी के बच्चे को उठाओ और थाने पहुंचा दो अब मिरासी ने घोड़ी के बच्चे को कंधों पे उठाया और अल्लाह की बारगाह में अल्लाह तूने सुनी तो थी लेकिन समझी नहीं अल्लाह मैंने दुआ मांगी थी कि मुझे कोई ऐसी सवारी दे जिसके ऊपर मैं सवारी करूं लेकिन आपने मुझे ऐसी सवारी दी जो मेरे ही ऊपर सवार हो गई तो मंज़ूर हुसैन ने मिर्जा से कहा मिर्ज़ा साहब आपने बात सुनी तो थी मगर समझी नहीं मिर्जा ने कहा वो क्या मिर्जा साहब मैं आपके पास आया था कि दुआ करें बेटा पैदा हो जाए तो मिर्जा आगे से कहने लगा मेरा मकसद ये था कि इस मरतबा नहीं आइंदा आपका बेटा पैदा होगा तो ये पेशन गोई भी उसकी पूरी ना हो सकी मिर्जा ने एक पेशन गोई की थी कि मोहम्मदी बेगम मेरी बीवी बनेगी मेरा उसके साथ निकाह होगा अल्लाह की शान मोहम्मदी बेगम मिर्जा के ऊपर ईमान लेके ना आई मिर्जा को नबी न माना वो इस्लाम के ऊपर मज़बूत रही नबी इस्लाम की ख़म नबूवत को मानती थी और इसी के ऊपर उसका इंतकाल हो गया अमामा डॉक्टर खालिद महमूद रमतल फरमाते हैं कि मेरी एक कादियानी से मुलाकात हुई मैंने कादियानी से कहा कि आपके पैगंबर ने पेशन गोई की थी कि मोहम्मदी बेगम मेरी बीवी बनेगी तो आपके पैगंबर की ये पेशन गोई पूरी ना हुई कादियानी कहने लगा अलामा साहब हमारे पैगंबर का मकसद ये था कि आखिरत के अंदर निकाह होगा अलामा साहब फरमाते मैंने कादियानी से का क्या कहा जी आखिरत के अंदर हमारे पैगम्बर और महमदी बेगम का निका होगा अलामा साहब फ़रमाते हैं मैंने उस कादियानी से कहा कि तुम्हारे अकीदे के मुताबिक मुहम्मदी बेगम चूँकि ईमान लेके नहीं आई तुम्हारे पैगम्बर के ऊपर वो जाएगी जहन्म के अंदर और तुम्हारा पैगम्बर जाएगा जन्नत के अंदर तो सोचो निकाह करने के लिए फिर बारात कहाँ से कहाँ जाएगी बारात फिर जन्नत से जहन्नम के अंदर जाएगी और जहन्म के अंदर निका होगा तो निकाह के बाद फिर खाना भी होगा वहाँ पे ज़क्ू मिलेगा और खोलता हुआ गर्म पानी मिलेगा साहब ने फ़रमाया कि बाज़ खानदान ख़ानदानों के अंदर ये उसूल भी है अगर दामाद अच्छा हो तो उसे अपने घर ही बसा लेते हैं तो हमारे अकाबरीन अलहमदिल्ला ऐसे कादियानियों को लाजवाब कर दिया करते थे कि वो जवाब ही नहीं दे सकते थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने जितनी भी पेशन गोई की उनमें से एक भी पूरी ना हो सकी और जब मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को देखता हूँ मेरे महबूब ने जितनी भी पेशन गोई इरशाद फरमाई अल्लाह ने वो सच कर दिखाई अल्लाह ने वो पूरी कर दिखाई मेरे महबूब अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत फरमा कर मदीना तजबा की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे अबू जहल ने मक्का मुकरमा के अंदर ऐलान किया कि जो मोहम्मद को पकड़ के लाएगा मैं उसे इनआम दूँगा चुनाचे चुनाचे लोग इन आम के लालच में नबी नबीसलाम को पकड़ने के लिए गिरफ़्तार करने के लिए मुख्तलिफ रास्तों पर चल पड़े सुराखा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अल्लान अभी मुसलमान नहीं हुए थे ये उसी रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते के ऊपर नबूवत और सदाकत जा रही थी अबू बकर भी साथ थे और यहाँ पे एक बात याद रखें कि सारी दुनिया चलकर मेरे पैगंबर के दरवाज़े पे आती है लेकिन हिजरत के सफ़र पर मेरा पैगंबर चलकर अबू बकर के दरवाज़े पे जाता है पैगंबर चलकर सदाक़त के दरवाज़े पे जाती है और जब नबी सलाम अबू बकर के दरवाज़े पे पहुँचे तो अबू बकर ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया मेरे महबूब ने फरमाया अबू बकर किसी का इंतज़ार कर रहे थे अल्लाह के नबी आप ही का इंतज़ार कर रहे थे मैं इंतज़ार में था कि जब भी अल्लाह को अल्लाह आपको हुक्म देगा तो अल्लाह ये भी कहेगा अबू बकर को भी साथ ले जाना जिस दिन से लोग मदीना की तरफ जा रहे हैं अबू बकर ने तो सोना ही छोड़ दिया था मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को साथ लेकर मदीना तैयबा की तरफ रवाना होते हैं पीछे से सुराका बिन मालिक नबलातल और सदाक़त के करीब पहुँचा सैदना अबू बकर रज़ी अल्लाने अरस किया या रसूल अल्लाह करीब आ चुका है मेरे पैगम्बर ने पीछे मुड़ के देखा आपसलातम को मेरे अल्लाह ने जहाँ जमाल अता फरमाया था वहाँ जलाल भी अता फ़रमाया था बल्कि एक हदीस के अंदर आपलाम ने फरमाया न तो बेरो ने रोब के ज़रिए मेरी मदद फरमाई है मेरे पैगम्बर इलाके के अंदर बाद में पहुंचते थे उस इलाके के अंदर पैगंबर का रोब पहले पहुंच जाया करता था इसी रोब नबी की वजह से अल्लाह ताला नबूवत को फतह अता फरमा दिया करते थे जब पैगंबर ने पीछे मुड़ के देखा जलाल की नजर सुराका बिन मालिक और घोड़े पे पड़ी तो घोड़े के पाँव जमीन के अंदर घुटनों तक धस जाते हैं हालांकि वो इलाका मट्टी और रेत वाला नहीं है खालस पहाड़ और पत्थर पाए जाते हैं जब सुराखा बिन मालिक ने देखा कि घोड़े के पाँव घुटनों तक जमीन के अंदर जा चुके हैं तो फ़ौर मुआफ़ी मांगी अल्लाह के नबी मुझे, मुझे मुआफ़ फरमा दें मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा आप अली सलात वब ने फरमाया फरमायाराखा तू मुझे पकड़ने के लिए आया है जबकि मेरी आंखें देख रही हैं अल्लाह ताला कैसर किसरा के ख़जानों में से तुझे सोने के दो कंगन अता फ़रमाएंगे सराखा बिन मालिक फरमाते मैं सोचने लगा मक्का वाले जीने नहीं देते मक्का वाले रहने नहीं देते और खाब देख रहे हैं कैसर वसरा के ख़जाने के लेकिन उस वक़्त मुझे अपनी फ़िक्र थी मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए नबी आई ने फरमाया सराखा तुम वापस जाकर किसी को हमारे बारे में नहीं बतलाओगे मैं आपको मुआफ़ कर देता हूँ जी अल्लाह के नबी किसी को नहीं बतलाऊँगा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलाल को जमाल में तब्दील करते हुए सुराका बिन मालिक की तरफ मुस्कुराते चेहरे के साथ देखा घोड़े के पाँव ज़मीन के अंदर से बाहर निकल आते हैं और सुराखा यहाँ से मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो जाती है मेरे पैगम्बर ने सुराका बिन मालिक को खुशखबरी दी थी कि कैसर व किसरा के ख़जाने आएंगे हम किताबों के अंदर पढ़ते थे कैसर किसरा के ख़जाने के इतना सोना आया चांदी आई दीनार आए दिरम आए हम किताबों के अंदर पढ़ते थे लेकिन अल्लाह इज़्ज़त ने चंद दिन पहले हमें वीडियोस के अंदर वो माल भी दिखा दिया कैसर व किसरा के ख़जाने हमने किताबों के अंदर पढ़े थे और अल्लाह ने सुपर पावर अमरीका का माल हमें अपनी आँखों के सामने दिखा दिया वो अमेरिका जो कई मुल्कों के साथ लेकर इतिहादी बनकर दाढ़ी और पगड़ी वालों को जेर करने के लिए आया था शिकस्त देने के लिए आया था जिस तरह मुल्क पाकिस्तान के बारे में अमरीकी वजी अजम ने ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके नाश्ता करेंगे वो नाश्ता तो ना कर सके अलबत् अपनी जाने और खून देके चले गए इसी तरह अमेरिका भी किया था कि जाकर इन दाढ़ी और पगड़ी वालों को शिकस्त देंगे मुलक के ऊपर कब्जा करेंगे लेकिन अल्लाह ने दिखा दिया सुपर पावर कौन है सुपर पावर मेरा अल्लाह है मेरे अल्लाह के पास हर चीज की ताकत तो कुत है अल्लाह ताला ने कई मुमालिक की फौज को वहां से निकालकर दाढ़ी और पगड़ी वालों को इज्जत अता फरमा दी और जब उस मुल्क के अंदर बाकायदा हुकूमत का ऐलान किया गया तो हम देख के हैरान रह गए कि कल उन लोगों ने ऐलान किया कल सात सितंबर थी अल्लाह ने इस हवाले से मुसलमानों को फतः अता फरमाई थी और उन लोगों ने अपनी हुकूमत का ऐलान भी सात सितंबर को किया और तमाम के अंदर चाहे वजीर दाखिला है चाहे वजीर आजम है नायब वजी वजीर, वजीर दिफात जितने भी हजरात हैं वो सारे के सारे दाढ़ी पगड़ी वाले और सारे के सारे अलहमद लाए किराम हैं। अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर देखा दिया हमने कई वीडियोज देखी जिसके अंदर पूरा कमरा डालरों के साथ भरा हुआ था उस ज़माने के अंदर सोना और चांदी होता था आज के दौर में लोग डॉलर डॉलर की बात करते हैं अल्लाह ने उन्हें चंद दिनों के अंदर ये डॉलर माल गनीमत के तौर पे अताफ फरमा दिए यह अल्लाह की देन होती है जब अल्लाह चाहता है अल्लाह तला अपने बंदों को अताफ फरमा देते हैं नबी सलातम वहाँ से मदीना तयबा तशरीफ़ ले गए आपलात वाम के दुनिया से जाने के बाद अबू बकर का दौरे खिलाफत आया वो तकरीबन दो अढ़ाई साल तक दौरे खिलाफत रहा वो भी गुज़र गया फिर हज़रत उमर का दौरे खिलाफत आया हजरत उमर के दौर के अंदर जब कैसर वसरा के इलाके फतह हुए वहाँ से सोना चांदी आया हज़रतमर फ़ारूक रजील्लासर की नमाज़ के बाद लोगों से कहा कि अपनी जगह बैठे रहूँ माल तकसीम होगा हज़रत उमर ये ऐलान करके सोने चांदी के ढेर के पास गए किसी चीज़ को तलाश कर रहे थे लेकिन उमर को कोई चीज़ न मिली आप वापस आए जो लोग माल लेके आए थे आपने उनकी तरफ़ देख के फरमाया कि माल कम है पूरा करो माल ये पूरा नहीं है तो वो लोग खड़े हो गए और कहा कि उमर हम माल पूरा लेके आए हैं क्या हमारी अमानत दारी के ऊपर शक है क्या हमारी दयानत दारी के ऊपर शक है उमर ने फरमाया कि एक तरफ तुम्हारी अमानत दारी एक तरफ तुम्हारी दीनात और दूसरी तरफ मेरे पैगम्बर का फरमान है मेरे पैगम्बर ने फरमाया था जब कैसर वसरा के इलाके फतह होंगे तो उसके अंदर सोने के दो कंगन भी आएंगे मुझे सारा माल तो नज़र आ रहा है लेकिन सोने के दो कंगन नज़र नहीं आ रहे वो हज़रा परेशान उमर अपनी जगह परेशान थोड़ी देर के बाद एक बंदा अपने घोड़े को तेज़ दौड़ाते हुए मस्जिद नबी के करीब आया सवारी से नीचे उतरा उसके हाथ के अंदर कपड़ों के अंदर कोई चीज़ लिपटी हुई थी अमीरुल उमिनीन के हवाले कर दी अमीरुल उमुमिन मुझे अमीर लश्कर ने कहा था कि ये जाकर उमर के हाथ में पकड़ा देना मुझे पहुँचने के अंदर तखिर हो गई हज़रत उमर ने जब उस कपड़े को खोला तो उस कपड़े के अंदर सोने के दो कंगन थे हज़रत उमर ने फरमाया अब माल पूरा हो गया क्योंकि मेरे पैगम्बर ने फरमाया था सोने के दो कंगन भी होंगे अब उमर को नबी इस्लाम के फरमान के ऊपर कितना अहतमाद था यह पैगम्बर की पेशन गोई थी कि जब माल आएगा सोने के दो कंगन भी आएंगे सच्चा नबी जो कहता है अल्लाह उसे पूरा कर दिखाते हैं हजरत उमर ने सोने के दो कंगन हाथ में पकड़ लिए और मस्जिद के अंदर ऐलान किया सुराखा बिन मालिक कहाँ पे है सुराखा बिन मालिक कोने के अंदर मौजूद थे बूढ़े हो चुके थे लाठी का सहारा लेते हुए ज़मीन से उठे उमर की तरफ चलना शुरू कर दिया सुराखा बिन मालिक की आंखों में आंसू थे जब उम्र के करीब आए उम्र ने फरमाया सुराखा क्यों रो रहे हो सुराका बिन मालिक ने जवाब दिया उमर मैं उस मंजर को याद कर रहा हूं जब मैं इन आम के लालच में अपने पैगंबर को पकड़ने के लिए जा रहा था और मेरे पैगंबर ने उस वक्त फरमाया था सुराका अल्लाह तुझे सोने के दो कंगन अता फरमाए थे फरमाएंगे मैं उस वक्त सोच रहा था कि मुझे सोने के दो कंगन मिलेंगे कैसरो वसरा का माल आएगा सोने चांदी आएगा आज अल्लाह ने पैगंबर की बात को सच कर दिखाया उमर ने वो सोने के दो कंगन सुराका बिन मालिक को दिए और फरमाया सुराका ये दोनों कंगन हाथ में पकड़कर दुनिया वालों के सामने हवा के अंदर लहरा दो और दुनिया वालों को बतला दो कि कायनत की हर चीज़ झूठी हो सकती है मगर मेरे पैगम्बर का फरमान झूठा नहीं हो सकता तो यहाँ भी पैगम्बर की पेशन गोई पूरी हुई नबी आल सलातम मदीना तयबा के अंदर थे आपके बेटे इब्राहिम की तबीयत ख़राब थी आपको बतलाया कि इब्राहिम की तबीयत नासाज़ है इब्राहिम की उम्र 16 या 17 महीने की थी आप आपसलातलम मारिया के पास तशरीफ़ ले गए जो आपकी बांदी थी और मारिया के पेट से इब्राहिम पैदा हुए थे मारिया ने इब्राहिम नबूवत के हाथों में दे दिया आपने सलात ने इब्राहिम को दोनों हाथों में लिया बास मरतबा किसी का बेटा किसी का खावन, किसी का वाली दुनिया से चला जाता है तो कहते लोग कहते हैं अगर डॉक्टर वक़्त पे आ जाता तो इसकी जान बच जाती अगर जल्दी हस्पताल पहुंच जाते तो जान बच जाती जो मुकद्दर के अंदर लिखा हुआ है वो ज़रूर हो के रहता है ये इब्राहिम जब नबूवत के दोनों हाथों में आए मैं यूँ कहूँगा इब्राहिम के लिए सबसे बड़ा शिफा ख़ाना का हाथ था इब्राहिम के लिए सबसे बड़ी शिफा की जगह नबूवत की गोद नबूवत के बाज़ू थे लेकिन यहाँ भी इब्राहिम को सेहत न मिल सकी नबी सलातम इब्राहिम को दोनों हाथों में उठाते हैं बच्चे को सीने के साथ लगाते हैं हती कि इब्राहिम पैगंबर के हाथों में सीने के साथ लगे हुए दम तोड़ देते हैं इब्राहिम की रूह परवास कर जाती है मेरे पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए आपलात असलाम तो ने फरमाया इब्राहिम तेरी जुदाई के अंदर हम बहुत गमज़दा हैं नबी आलाम ने उस मौके पर एक जुमला इशाद फरमाए इब्राहिम, तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है इब्राहिम तो मेरी आँखों की ठंडक है इब्राहिम तो मेरा लाडला है इब्राहिम तू मेरा खून है तू मेरा बेटा है लेकिन इब्राहिम जिस ज़ात ने तुझे मुझसे लिया है वो ज़ात मुझे तुझसे भी ज़्यादा प्यारी लगती है इब्राहिम तू भी अच्छा लेकिन जिस अल्लाह ने लिया है वो अल्लाह मुझे तुझसे भी ज़्यादा प्यारा लगता है मैं अपनी तमाम मस्तूरात से ही दरख्वास्त करूँगा हालात आ जाते हैं परेशानियाँ आ जाती हैं फोतगियाँ हो जाती हैं उस वक़्त औरत यही कहे कि अल्लाह ये मेरी माँ है अल्लाह ये मेरी बहन है अल्लाह ये मेरी फ़लाँ है ये भी प्यारी है लेकिन जिस अल्लाह ने इसको मुझसे लिया है वो अल्लाह मुझे इनसे भी ज़्यादा प्यारा लगता है किसी का वालिद फोत हो जाए बेटा फोत हो जाए यही कहे अल्लाह मैं आपके फ़ैसले पर राजी अल्लाह मैं आपके फ़ैसले पर राज़ी जो दुनिया के अंदर अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहेगी अल्लाह उसकी दुनिया बनाएंगे, भी बनाएंगे आखिरत भी बनाएंगे हज़रत हुसैन इब्ने अली जब करबला के मैदान में अपनी सवारी से फ़र्श ज़मीन पर आते हैं तो हुसैन अपनी पेशानी ज़मीन पर सजदे की हालत में रख कर रब के सामने फ़रियाद करते अल्लाह तो हुसैन को देख तो सही हुसैन सब कुछ लुटा चुका है अल्लाह हुसैन अपने भतीजों की कुर्बानी दे चुका है अल्लाह अली अकबर का सर तन से जुदा करवा चुका है अल्लाह अली असगर के हल के अंदर तीर पेवस्त करवा चुका है अल्लाह हुसैन अपने बदन को छलनी करवा चुका है हुसैन अपने जिसम को ज़ख़्मी करवा चुका है अल्लाह हुसैन तेरी तकदीर पे राज़ी है बता मेरे अल्लाह तू भी हुसैन से राजी हुआ कि ना हुआ वो हुसैन जिसके सामने सब कुछ लुट चुका था वो हुसैन जिसके सामने सब कुछ कुर्बान हो चुका था जिसके सामने सब कुछ आल ख़ानदान खाक ख़ून में तड़प चुका था उस हुसैन को उस वक़्त भी अपने पैदा करने वाले रब जुल जलाल की रज़ा की फ़िक्र थी किसी कहने वाले ने क्या ख़ूब कहा इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है औरों ने भी सजदे किए पर इसका अजब है अंदाज इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है हम थोड़ी देर के लिए तस्वर करें हमारे ऊपर हालात आते हैं कि हम उस वक़्त सजदे की हालत में जा कर रब के सामने फरियाद करते हैं अल्लाह मैं ख़ुशी की हालत में भी आपसे राज़ी अल्लाह मैं तंगियों के अंदर भी आपसे राज़ी अल्लाह मैं तकलीफ के अंदर भी आपसे राज़ी अल्लाह जब कुछ भी नहीं था आपने ये दे दिया अल्लाह मैं आपसे राजी मैं अपने महबूब की ज़िंदगी को देखता हूँ मेरे महबूब का जिसम सबसे कीमती जिसम है महबूब का खून सबसे ज़्यादा कीमती खून है लेकिन ताइफ के मैदान के अंदर यही खून बहाया जाता है आप अलीसलात तो साम अपने बदन को छलनी करवा के अपने जिसम को ज़ख्मी करवा के अपने नालेन मुबारक ख़ून से भर के अपने रब की बारगाह में उतबा के बाग के अंदर बैठ के फरियाद क्या करते हैं अल्लाह अगर तू मुझसे राज़ी है तो पूरी दुनिया की नाराज़गी की कोई परवाह नहीं अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज़ हो चुका है अल्लाह तुझे मनाना उस वक्त तक ज़रूरी है अल्लाह जब तक कि तू राजी ना हो जाए नबीसम अपना खून बहाकर भी अपने रब की रज़ा की फ़िक्र में है मेरे महबूब की तरबियत का असर नवासे पे पड़ता है नवासा कर बला के मैदान के अंदर अपने आल का अपने जिस्म का खून बहाकर अपने रब की रज़ा की फ़िक्र में अल्लाह बता तू मुझसे राजी हुआ कि ना हुआ हम अल्लाह की रज़ा के ऊपर राज़ी रहा करें कि अल्लाह मैं आपसे राज़ी अल्लाह मैं यहाँ भी राजी मैं वहाँ भी राजी तो नबी आल सलातुस इब्राहिम की जुदाई के ऊपर ये जुमला इर्शाद फरमाते हैं फिर इब्राहिम की तदफ़ीन कर दी गई इब्राहीम को दफन किया गया जब आप सलात वाम वापस तशरीफ़ लाए तो मारिया को देखा मारिया को सब्र नहीं आ रहा था नबी सलाम ने मारिया को सबर की तल्कीन की आप बहर तशरीफ़ ले गए दोबारा आए मारिया फिर रो रही थी बास मरतबा औलाद के साथ ऐसी फित्र मोहब्बत होती है कि उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती नबी सलाम ने मारिया से फरमाया मारिया अगर तू चाहे मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह सारे परदे हटा दे और तुझे दुनिया ही के अंदर ये दिखा दे कि तेरा बेटा जन्नत की हूरों की गोद में परवरिश पा रहा है क्या तुझे यकीन हो जाएगा हज़रत मारिया ने कहा यार रसूल अल्लाह मुझे यकीन हो गया मुझे तसल्ली हो गई जब बाद में अरब की औरतों को पता चला कि नबी इस्लाम ने इतनी बड़ी पेशकश मारिया को की है तो अरब की औरतें कहने लगी मारिया तो कह देती अल्लाह के नबी दुआ करते तो दुनिया ही के अंदर जन्नत के नज़ारे कर लेती जन्नत के बागात देखती जन्नत के महल्लात देखती हूरों को देखती इब्राहिम को हूरों की गोद में खेलता हुआ देख लेती तो वाहिद औरत होती जो दुनिया के अंदर जन्नत के नज़ारे कर चुकी होती हज़रत मारिया रजी अल्लाह ने बड़ा अजीब जवाब दिया मारिया कहने लगी इसका मतलब तो ये है कि मुझे अपनी आँखों के ऊपर अतमाद है पैगम्बर के फरमान पर अतमाद नहीं है हालांकि मुझे तो इस्लाम के फरमान पर अतमाद है आपने बतला दिया मुझे तसली हो गई तो मारिया को नबीलात ने फरमाया था तुझे दिखा दूँ जन्नत अगर इस्लाम दुआ कर देते मारिया को दुनिया ही के अंदर जन्नत देखने का मौक़ा मिल जाता नबीसलातम के पास साहब के मौजूद थे तो आपतम ने यमन के इलाके का तस्करा किया कि फ़लाँ इलाका फ़तेह होगा और साहबा फाते बनकर दाखिल होंगे तो बादशाह की बेटी सवारी के ऊपर सवार होकर मेन दरवाज़े की तरफ आ रही होगी एक सहाबी ने अरस के या रसूल अल्लाह वो शहजादी मेरे लिए बाँधी बना दीजिए ने फरमाया जा वो तेरी बांदी होगी आप्लाम दुनिया से पर्दा फरमा गए अबू बकर चले गए उमर का दौरे खिलाफत आया उमर के दौर खत में साहबा ने उस इलाके को फतह किया जब साहबा फाते बनकर अंदर दाखिल हो रहे थे तो बादशाह की बेटी मेरे पैगंबर की पेशन गोई के मुताबिक सवारी के ऊपर सवार होके के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी जिस साहबी को मेरे पैगंबर ने फरमाया था कि वो तेरी बांदी बनेगी उस उसबी ने आगे जाकर उस शहज़ादी का हाथ पकड़ लिया और कहा तो मेरी बांदी है किसी ने खालिद बिन वलीद को बतलाया कि बादशाह की बेटी को फ़लॉँ साहबी ने बंदी बना लिया खालद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तो ने फरमाया कि बांदियों को तकसीम करना अमीर अमीर लश्कर का काम होता है ये तूने कैसे अपने तौर पर बांदी बना लिया जी मुझे अल्लाह के नबी ने फ़रमाया था खालिद ने कहा गवाह पेश करो गवाह पेश कर दिए हज़रत खालिद ने कहा कि ठीक है ये शहजादी आपकी बांदी है उस साहबी उस शहज़ादी को बांदी बनाकर अपने खैमे में ले गए थोड़ी देर के बाद शहज़ादी का भाई आया और साहबी से कहा कि ये एक हज़ार दिरम ले लो इसे छोड़ दो सहाबी ने छोड़ दिया चूँकि उनके यहाँ हुस्न व जमाल की कोई वैल्यू नहीं थी उनके यहाँ माल की कोई कदर कीमत और अहमियत ज़्यादा नहीं थी शहजादा अपने भाई को लेकर चला गया किसने खालिद बिन वलीद को बतलाया कि उसने तो एक हज़ार दिरहम के बदले शहज़ादी को आज़ाद कर दिया खालिद ने बुलाया और बुला के फ़रमाया खुदा के बंदे अगर तू एक लाख दिनार का मुतालबा करता तुझे एक लाख दीनार दे देता सहाबी रज़ी अल्लान्हों ने बड़ा अजीब जवाब दिया फरमाने लगे खालिद मुझे एक हज़ार से ऊपर गिनती ही नहीं आती एक हज़ार से ऊपर गिनती ही नहीं आती एक हज़ार से ऊपर दस हज़ार भी है लाख भी है करोड़ भी है अरब खरब भी है मिलियन बिलियन भी है मुझे इसके बारे में क़तन इलम नहीं है अब ये वो सहाबी हैं जिसको दुनिया के बारे में इलम नहीं था लेकिन पैगंबर के फरमान के ऊपर कितना अतमाद था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था मैं यहाँ पर ख़वातन से एक दरख्वास्त करूँगा खवीन किताबों के अंदर पढ़ती हैं सुन लेती हैं कि नबीसम ने फरमाए ये करोगी तो ये फ़ायदा होगा ख़वान वो अमल करती हैं वजीफ़ा करती हैं कहते फ़ायदा तो होता नहीं है इतने दिनों से कर फ़ायदा नहीं हो रहा वल्ला की बंदी अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़ायदा ज़रूर होगा अगर आप जो चाहती हैं आपको वो नहीं मिल रहा लेकिन फिर भी अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने आपको वजीफ़ा पढ़ने की तोफ़ी कता फरमा दी अल्लाह ने सूरत पढ़ने की तोफ़ी अतः फरमा दी जिसका वजीफ़ा पहले दिन कबूल होता है अल्लाह उसे दूसरे दिन पढ़ने की तोफ़ी अतः फ़रमाते हैं इसका दूसरे दिन कबूल होता है अल्लाह अगले दिन पढ़ने की तोफ़ी अतः फ़रमा देते हैं अगर कोई वजीफ़ा पढ़ने की तोफ़ी मिले तो कभी भी यूँ ना कहा करें कि इस वजीफ़े का असर नहीं हो रहा इस वजीफ़े का फ़ायदा नहीं हो रहा वजीफ़े का फ़ायदा ज़रूर होता है जो अल्लाह के नबी ने बतलाया अगरचे हमें हाल के अंदर वो नज़र नहीं आता लेकिन अल्लाह मुस्तबिल के अंदर उसके असरा हमें ज़रूर अता फ़रमाते हैं तो नबी सलात उसलाम ने अपनी मुबारक जिंदगी के अंदर जितनी पेशन गोई की है अल्लाह ताला ने उसको सच कर दिखाया है तो मिर्जा गुलाम अहमद काद यानी की जब जिंदगी को देखते हैं उसने जितनी पेशन गोई की वो सारी की सारी झूठी थी पैगम्बर की अगली खसूसियात में से एक खसूसियत ये होती है कि पैगंबर का जहाँ पे इंतकाल होता है पैगम्बर की खबर वहीं पर बनती है नबीलात साम का इंताल पुरमलाल हजरत आयशा सदी रज़ील तो के हजरे में हुआ वहीं पर नबीसलात साम की मुबारक ख़बर बनी और जब हम मिर्ज़ा ग़ुला अहमद कादियानी को देखते हैं इसका जो इंतक़ाल हुआ वो वाशरूम में हुआ और कबर इसकी कहीं और बनी जिसका इंतकाल कहीं हो कबर कहीं और बने वो अल्लाह का नबी नहीं हो सकता वो अल्लाह का रसूल नहीं हो सकता अगर इस खसूसियत को देखते हैं तो यहाँ भी मिर्ज़ा ग़ुला अहमद काद यानी झूठा साबित होता है नबी अली सलात असलम के इंतक़ाल के हवाले से एक बात जहन में आई हमारे यहाँ सफ़र के महीने को जहाँ मनहूस समझते हैं और इसको ख़ाली महीना कहते हैं पत्नी ख़ाली किस हवाले से कहते किस चीज़ से ख़ाली हो गया बाज़ लोग सफ़र के महीने की आखिरी बुध को गसल करना ज़रूरी समझते हैं और कोई रावी पे चला जाता है तो कोई सिंध के किनारे पे तो कोई किसी और दरिया और नहर के किनारे जा के ग करते हैं और कहते हैं कि इस दिन नबीलातम ने अपनी सेहत का गसल किया था नबीलातम बीमार हुए सफ़र के आखिरी अशरे के अंदर सत्ताईस या अट्ठाईस सफ़र थी और इंतकाल पुरमलाल आपका बारह रबी अव्वल को होता है तो इससे बात समझ लें कि वो लोग जो सफ़र के आखिरी बुध को ग ज़रूरी समझते हैं तो ये बात यहूदियों ने डाल दी है वरना नबी सलातम के जो मरस की इब्तिदा होती है वो सफ़र के महीने के अंदर होती है आप सफ़र के महीने के अंदर बीमार हुए थे नबीर असलात उल्लाम ने जो गसल किया है वो तो रब्वल के अंदर गसल किया है सफ़र के अंदर नहीं किया और ख़वातिन जो बास मरतबा कहती हैं कि ये ख़ाली महीना है इसके अंदर निकाह नहीं करने चाहिए नहुसत होती है कोई भी महीना नहुसत वाला नहीं है किसी भी महीने के अंदर नहुसत नहीं पाई जाती इसलिए सफ़र के महीने को नहुसत वाला महीना नहीं कहना चाहिए और इसी तरह इस महीने की आखिरी बुध को गसल करना ये भी ज़रूरी नहीं समझना चाहिए तो नबीलात वाम का जहाँ पे इंतक़ाल हुआ वहीं पे आपकी खबर बनी ये नबीलात वाम की खसूसियत थी कादियानीों को उन्नीस के अंदर एक तहरीक चली थी कि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ला अल्हम्दुलिल्लाह जहां किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि कादियानी गैर मुस्लिम है वहां मुल्क पाकिस्तान का आयन और कानून बन चुका है कि 7 सितंबर 1974 को कौमी असम्बली और सेंट से बिल पास होकर बायदा ये ऐलान किया गया किदयानी गैर मुसलम हैं वो अपनी इबादतगा को मस्जिद नहीं कह सकते वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते वो अपनी इबादतगाह के ऊपर मस्जिद की तरह मीनार नहीं लगा सकते वो अपनी इबादत इबादतगा को मस्जिद का नाम नहीं दे सकते तो ये उनके बारे में ऐलान हुआ तो हमें चाहिए कि हम खत्म नबूवत के हवाले से अपने अकीदे के ऊपर मज़बूत रहें और अपनी औलादों को ख़म नबूवत के हवाले से ज़रूर बताएँ अल्लाह ताली सब के ईमान की हिफाज़त फरमाए व आखिर अनिलहमदिल्ल रबालमीन